राज्य शासन के आदेश के बाद कर्मचारियों को कुछ बचा हुआ महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य संयोजक जिन्हें बर्खास्त किया गया था उन्हें बहाली के बगैर चुनावी ड्यूटी में लगाए जाना कर्मचारियों को नागवार गुजर रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की राशि को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया था, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की तर्ज पर महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से प्रदेश खासकर तृतीय वर्ग कर्मचारी शासन से नाराज चल रहे हैं। उनकी माने तो अभी भी छत्तीसगढ़ में कार्यरत कर्मचारी 4% भत्ते से दिगर राज्यों से पीछे हैं, जो कि कतई सही नहीं कहा जा सकता। आचार संहिता लागू होने के पहले शासन से आदेश जारी किया गया था, लेकिन पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारी स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के कार्य में पूरा लगे हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों में इस बात का दुख और आक्रोश है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता पीछे हैं। अभी 2% जनवरी 2018 का और 2% जुलाई 2018 का। सारे काम जब निर्वाचन आयोग की अनुमति से हो रहे हैं तो शासकीय कर्मचारियों को दे महंगाई भत्ता जो रूटीन कोर्स में मिलना चाहिए। यदि सरकार को कोई तकलीफ है और देने की इच्छा शक्ति है तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता चुनाव पहले मिलना चाहिए। वहीं पिछले 1.5 महीने पहले प्रदेश के स्वास्थ्य संयोजक अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए थे, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन सरकार पहले नहीं झुकी और अड़े रहने के कारण 1,262 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि हड़ताल वापसी के बाद शासन ने इन्हें बहाल करने की बात कही थी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इनका कहना है कि प्रदेश में आचार संहिता होने का हवाला देकर अब आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का हवाला देकर इन बर्खास्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने की बात कही जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। गुरुवार को स्वास्थ्य संयोजकों ने कर्मचारी संघ से मिलकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल कर चुनावी ड्यूटी में लेने को कहा है। जहाँ तक आचार संहिता चुनाव की बात है, एक प्रदेश में माहौल और दबाव बना दिया गया है। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य संयोजक लोग आंदोलन किए, शासन का आदेश हो गया था 5 तारीख को कि इनको सबको बर्खास्त, इनको बहाल किया जाए। कुछ जिलों में बहाली आदेश भी हो गया, कुछ जिले में कलेक्टर और CMO लोग जानबूझ करके उसको रोक करके रखे। आज स्थिति ये है कि हमारा स्वास्थ्य संयोजक बर्खास्त है और ये उनको चुनाव ड्यूटी देने जाते हैं। प्रदेश का कोई स्वास्थ्य संयोजक जो बर्खास्त है या आंदोलन किया था वो चुनाव ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको सरकारी नौकरी मानी नहीं रहे। जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज नहीं है, किसी भी आदमी को आप चुनाव ड्यूटी नहीं लगा सकते। तो हमारा अपील है कि निर्वाचन आयोग सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दे कि स्वास्थ्य संयोजक जो बर्खास्त थे उनको जो शासन ने 4-5 तारीख को आदेश कर दिया था आचार संहिता लगने के पहले, उसका मस्ट बी कंप्लायंस, अदरवाइज परिणाम आप देख लो, फिर क्यों ड्यूटी करेंगे हम। आयोग को ज्ञापन सौंपने के बाद निर्णय के इंतजार में अब कर्मचारी बैठे हैं। निर्णय क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।